अगर आप भी सिराज को घातक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, सिराज ने अपनी गेंदबाजी से एशिया कप 2023 के फाइनल में इतिहास रचा है, जहां मोहम्मद सिराज ने अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी से 6 बड़े विकेट लिए श्रीलंका की टीम के मात्र 7 ओवर डालकर 21 रन देकर। दोस्तों, श्रीलंका की तरफ से कोई भी बल्लेबाज 18 रन से ज्यादा रन नहीं लगा पाया। दोस्तों, जहां चौथे ओवर में ही 4 बड़े विकेट निकाले सिराज ने, जिसमें समा विक्रमा, कुशाल मेंडिस और उनके साथ असलंका व धनंजय द सिल्वा भी शामिल थे। दोस्तों, उनके बाद उन्होंने शनाका को 0 रन पर और उनके साथ कुशाल मेंडिस को 17 रन पर आउट कराकर मात्र 50 रन पर पूरी श्रीलंका को ऑल आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम मात्र 50 रन पर ही ऑल आउट हुई, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। और भारतीय टीम सीधी तरीके से विनर है एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले की। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय टीम की तेज तरार गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीता श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहली विकेट श्रीलंका की गिरी जसप्रीत बुमराह के हाथों। दोस्तों, कुशाल परेरा बल्लेबाज से आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहले ही ओवर में बाहर जाती हुई गेंद रखी। कुशाल परेरा के बल्ले का एज लेकर इस तरीके से केएल राहुल के दस्तानों में जाकर गिरी गेंद। बड़ी विकेट मिली पहले ओवर में भारतीय टीम को। कुशाल परेरा मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, के बाद बल्लेबाजी करने आए कुशाल मेंडिस और पाथुम निसंका, और आते ही सिराज ने बाहर जाती हुई गेंद रख दी। इस तरीके से पाथुम निसंका को बल्ले का एज लेकर सीधा हाथ में जड़े जाके जाकर गिरी गेंद, जिस गलते सिराज भी आते ही अपनी पहली विकेट पा चुके थे। पाथुम निसंका मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इस ओवर में ऐसा कहर बरसा सिराज का जो किसी ने नहीं सोचा था। आते ही समा विक्रा भी अगली गेंद को पढ़ नहीं पाए, सिराज की गेंद लग गई इस तरीके से पैड्स पर, और रिव्यू लेने के बाद भी ये बच नहीं पाए। 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाली सिराज ने। समा विक्रमा 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए असलंका, और इसी ओवर की चौथी गेंद पर आते ही ये भी कवर ड्राइव खेल चुके थे इस तरीके से सिराज की गेंद पर, और सामने थे तैनात शानदार किशन, जिन्होंने शानदार कैच लपक ली। असलंका भी 0 रन बनाकर आउट हुए। एक ही ओवर में 3 विकेट मिले 5 गेंदों पर सिराज को। अभी ओवर की आखिरी गेंद भी थी और धनंजय द सिल्वा बल्लेबाज से, और उनको भी सिराज ने बाहर जाती हुई गेंद रखी। ओवर की आखिरी गेंद थी, ये भी अपने बल्ले का इस तरीके से एज दे बैठे, और पीछे केएल राहुल ने इनकी भी कैच लपक ली। सिराज ने एक ही ओवर में 4 बड़े विकेट निकाले श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के। धनंजय द सिल्वा 4 रन बनाकर आउट हुए। सिराज की गेंदबाजी आग उगलने वाली थी। शुरुआती 10 रन पर ही 7 विकेट चले गए श्रीलंका के। दोस्तों, के बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए कप्तान धासुन शनाका, आते ही इस तरीके से ये भी 0 रन बनाकर बोल्ड हुए। दोस्तों, उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह पूरी श्रीलंका की टीम बिखर गई। दोस्तों, आखिरी बल्लेबाज जो कि थे कुशाल मेंडिस, वो भी सिराज के अगले शिकार हुए मात्र 17 रन पर। दोस्तों, जैसे ही आउट हुए, उनके बाद वेला लागे आए 8 रन बनाकर आउट हुए। प्रमोद 1 रन, वंपति राणा 0 और मात्र 50 रन पर श्रीलंका की टीम पूरी ऑल आउट हुई। जी हां दोस्तों, एशिया कप के फाइनल में सबसे लोएस्ट टोटल है ये टीम का। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत बनाम श्रीलंका का एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है, और किसी ने नहीं सोचा था फाइनल मुकाबला ऐसा होगा, क्योंकि टॉस जीतकर श्रीलंका ने गेंदबाजी को चुना, भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए बुलाया। पहली विकेट तो पहले ही ओवर में ही निकाली जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन उसके बाद जब सिराज के हाथ में गेंदबाजी आई तब हैरान हो गए सब। दोस्तों, इस तरीके से पाथुम निसंका सिराज की गेंद को कट करने के चक्कर में पीछे जाडेजा को कैच दे बैठे, और इस मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 2 रन बनाकर पाथुम निसंका पहले शिकार हुए। दोस्तों, के बाद आते ही अगली ही गेंद पर समा विक्रमा भी पढ़ नहीं पाए, गेंद भी पैट्स के बीचों बीच लग गई, एम्पायर ने आउट दिया। 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट निकाले सिराज ने। समा विक्रमा 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अगली गेंद डॉट हुई, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर इस तरीके से यॉर्कर गेंद को रखने के चक्कर में एज दे बैठे असलंका, और सामने ईशान किशन ने शानदार कैच लपक लिया असलंका की। इस ओवर के तीसरे शिकार बने असलंका सिराज की गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, ये ओवर की आखिरी गेंद थी धनंजय द सिल्वा बल्लेबाज से। आखिरी गेंद भी सिराज ने बाहर जाती हुई रखी। बल्ले का एज लेकर धनंजय द सिल्वा की गेंद सीधा केएल राहुल के हाथों में जाकर गिरी गेंद। इसी के साथ चौथी विकेट एक ही ओवर में निकाली मोहम्मद सिराज ने, जो कि चौथा ओवर था। धनंजय द सिल्वा 4 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन ये तो सिराज के पूरे पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर था। अगली गेंद पर उन्होंने यॉर्कर गेंद रखी धासुन शनाका को, जो कि श्रीलंका के खतरनाक बल्लेबाज से, और वो चारों खाने चीत हो गए। गेंद कब पड़कर अंदर आई उन्हें पता ही नहीं चला, और मात्र 0 रन बनाकर धासुन शनाका आउट हुए। सिराज ने 5 विकेट निकाले, लेकिन इतने से भी सिराज का मन नहीं भरने वाला था। दोस्तों, अगली गेंद पर यॉर्कर रखी सिराज ने गेंद इस तरीके से किसको, पाथुम निसंका के साथ आए कुशाल परेरा को। दोस्तों, इस तरीके से वो भी बोल्ड होकर रह गए 17 रन बनाकर। कुशाल मेंडिस भी आउट हुए। 6 विकेट निकाले सिराज ने, 7 ओवर दिए, 21 रन देकर सिर्फ 50 रन पर श्रीलंका को भारतीय टीम ने ऑल आउट किया। जी हां दोस्तों, 50 रन पर श्रीलंका ऑल आउट हुई फाइनल में। दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं।